प्रोडक्ट खराब निकला तो घर बैठे कर सकेंगे केस। किसी प्रोडक्ट की खराब क्वालिटी या सर्विस में गड़बड़ी की शिकायत उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराने के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार ऐसी सुविधा देने पर काम कर रही है जिससे आप घर बैठे ही उपभोक्ता अदालतों में केस दाखिल कर सकेंगे। इसके लिए देश भर के सभी 655 कंज्यूमर फोरम को मार्च 2019 तक डिजिटल बनाने का फैसला किया गया है। इसके बाद केस की ई फाइलिंग सर्विस शुरू की जाएगी। उपभोक्ता मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज होने पर SMS अलर्ट मिलेगा। शिकायत पर कार्रवाई आदि के अपडेट्स के बारे में भी समय समय पर मैसेज भेजकर सूचना दी जाएगी। यानी उस केस को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है और जिस कंपनी के खिलाफ उसने केस दर्ज किया है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है या कंपनी से किस तरह से बातचीत की जा रही है उसको बताया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी मिलती रहे कि उसके केस को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है। अंत में कोई फैसला होने पर भी उसकी सूचना उपभोक्ता को दी जाएगी। अगर उपभोक्ता उस फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ तो दोबारा उस केस को लेकर अपनी बात फोरम के सामने रख सकेगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान का कहना है कि हमारी कोशिश है कि उपभोक्ता को अपनी हक की लड़ाई में ज्यादा परेशानियां न हो और उसे इंसाफ भी जल्द मिले। इसके लिए हम कई कदम उठा रहे हैं। जो सिस्टम हम करने जा रहे हैं उसमें लोग भी शिकायत करने को लेकर ज्यादा जागरूक होंगे। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि पैकेज्ड प्रोडक्ट्स को पहचानने में उपभोक्ताओं की मदद के लिए इन प्रोडक्ट्स पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में लेबल होने चाहिए। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की FMCG कंपनियों के लिए इसे अनिवार्य बनाने की योजना नहीं है और इंडस्ट्री को इसे स्वेच्छा से अपनाना चाहिए। पासवान ने मंगलवार को फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा, चीन और जापान जैसे विकसित देशों में संचार का माध्यम उनकी अपनी भाषा है, लेकिन भारत में हमने यह धारणा बना ली है कि इंग्लिश ज्ञान का भंडार है और हमारी अपनी भाषाएं कमजोर हैं। पासवान का कहना था कि उनकी मिनिस्ट्री ने मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट और शिकायत करने की प्रक्रिया सहित प्रोडक्ट के विवरण का फॉन्ट साइज बढ़ाने को अनिवार्य किया था, लेकिन कंपनियों ने इसका पालन नहीं किया। उन्होंने बताया, उदाहरण के लिए एक पानी की बोतल पर प्रोडक्ट के सभी विवरण हिंदी में लिखना मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम प्रोडक्ट का नाम हिंदी में लिखा जा सकता है। पासवान ने कहा कि सरकार एक भाषा के तौर पर हिंदी को नहीं थोपना चाहती, लेकिन प्रोडक्ट्स के लेबल पर क्षेत्रीय भाषाओं में विवरण देने से उपभोक्ताओं को आसानी होगी। इस वर्ष की शुरुआत में ई कॉमर्स कंपनियों को लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज अमेंडमेंट रूल्स 2017 के दायरे में लाया गया था। इसका मकसद प्री पैकेज्ड कमोडिटीज को रेगुलेट करना है। इसके तहत प्री पैकेज्ड कमोडिटीज के मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्ट के MRP, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरर के विवरण जैसी जानकारी देनी होती है। हालांकि सरकार को अभी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट के पूरे विवरण न देने की शिकायतें मिल रही हैं। पासवान ने बताया, अधिकतर ई कॉमर्स कंपनियां प्रोडक्ट के विवरण उपलब्ध करा रही है, लेकिन अभी भी हमें अधूरी जानकारी देने से जुड़ी कुछ शिकायतें मिल रही है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को उपभोक्ताओं के हितों को पूरा करने के साथ ही पारदर्शिता को बरकरार रखना सुनिश्चित करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें।